अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम डॉपलर इफेक्ट के कुछ फार्मूलाज ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर आप लोग कौन कौन से ट्रिक्स लगा करके और किस किस तरह से ट्रिक्स लगा करके आप कौन कौन से मतलब फार्मूले बना सकते हैं। असल में डॉपलर इफेक्ट के तकरीबन 7-8 केसेस बन सकते हैं, मतलब कब गाड़ी आ रही है कब गाड़ी जा रही है। आई होप आपको कम से कम डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि मैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि मैं डॉपलर इफेक्ट के ट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ एमसीक्यूज आ जाए या कोई भी चीज आ जाए तो आपने एट अ टाइम फार्मूला बनाना कैसा है। मतलब आप 7-8 फार्मूलाज सिर्फ डॉपलर इफेक्ट याद करना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप एक बेहतरीन से ट्रिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें कोई चोर पुलिस वाली कोई कहानी नहीं होगी बल्कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दूंगा कि आपने इसको याद कैसे करना है। तो ट्रिक शुरू करते हैं और लास्ट में जा करके मैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स या कुछ इस तरह के एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं और उन्हीं ट्रिक्स को यूज करके हम उसी के ऊपर सोचेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कहानी बन सकती है या किस तरह की कहानी बन रही है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन पहले आप ट्रिक्स को समझ ले, बट ट्रिक समझने में आपको थोड़ा सा पहले टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा आपने ट्रिक समझ लिए फिर ये काफी ज्यादा आपके लिए आसान रहेंगे। तो इसकी मैं कुछ केसेस लेता हूँ। तो हम पहला केस ले लेते हैं। पहला केस हमारे पास है व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सिंपल अल्फाज में लिख लिया कि जब आपके पास सोर्स हो और सोर्स मसलन जैसे कोई साउंड हो किसी गाड़ी में या एम्बुलेंस में या पुलिस गाड़ी में, कहीं पर भी कोई साउंड लगा हो तो वो सोर्स की वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो या वो लिसनर की तरफ आ रहा हो, तो वो जो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो जो साउंड की सोर्स वो जो साउंड का स्पीड होता है उसे हम v से शो कर लेते हैं और वो होता ही v है, और जो गाड़ी की स्पीड होती है उसे हम a से शो कर लेंगे, मतलब जो सोर्स की स्पीड होती है उसे हम a से शो कर लेते हैं। कुछ बुक्स में इसको u नॉट से शो किया हुआ है, v नॉट से शो किया हुआ है, डिफरेंट सिंबल से शो किया हुआ है। तो आप सिंपली एक सिंबल अपने ज़हन में रखें a, बस a जो है ना वो सोर्स की स्पीड है। अब सोर्स अगर चल रहा हो तो मतलब उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, a होगा, और जो ऑब्जर्वर की स्पीड होगी उसी को हम b से शो कर लेते हैं। तो सोर्स की स्पीड को a से और ऑब्जर्वर की स्पीड या लिसनर की स्पीड को हम b से शो कर लेंगे। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी, और जो साउंड की स्पीड होती है वो तो होती ही भी। अब हमने फाइंड इसका क्या करना है, फाइंड इसका हमने करना है वो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर बात है साउंड उसके लिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपकी तरफ गाड़ी आ रही है तो साउंड कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है इंक्रीज जो आ रही है वो या इंक्रीज आ रहा हो या डिक्रीज आ रहा हो, जो भी कुछ आ रहा हो तो आप लोगों ने लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा। वो जो फ्रीक्वेंसी की चेंज आ रही है वो कितना आ रहा है, अब फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो जाहिर बात है उसका वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, और यहीं से आप लोग उसका वेवलेंथ का फार्मूला भी फिर निकाल सकते हैं f = 1 और लैम्डा, ये आपको पता होगा। तो हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे। लैम्डा की अगर कहीं पर भी किसी भी एमसीक्यूज या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको उसकी वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा हो कि वेवलेंथ कितना चेंज हो रहा हो, तो फिर हम उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 1 और लैम्डा कर देंगे, और जो मजीद उसका फार्मूला होगा वो भी सारा का सारा उसी तरह से उसको उलट कर देंगे। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, आगे एमसीक्यूज में हम इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फार्मूला ये होगा VB VAF। ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हमें इसकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये फार्मूला हम 7-8-9 केसेस जितने भी केसेस होंगे हम सब में एक ही फार्मूला यूज करेंगे, तो इस वजह से आसान इस वजह से होगा कि एक ही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। वो आगे हम देखते हैं जाते हैं कि वो कैसे कैसे हमारे सोर्स के साथ हमारे केस के साथ वो कैसे कैसे चेंज होता जाएगा। अब हमारे पास केस है f डैश इक्वल टू VB VAF, ये मेरे पास केस है। अब सबसे पहले आपने सोचना है ये b किस चीज की स्पीड है, वो तो लिसनर की स्पीड है या ऑब्जर्वर की स्पीड है। a किस चीज की स्पीड है, वो गाड़ी की स्पीड है, साउंड की स्पीड नहीं है, गाड़ी की स्पीड है, क्योंकि साउंड की स्पीड तो उसकी v होगी। अब आपने पहले ये सोचना है अगर ये गाड़ी उस ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, अगर ये गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो क्या साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगी, क्योंकि साउंड अगर गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है या लिसनर की तरफ जा रही है तो उसको साउंड बढ़ता हुआ महसूस होगा, उसको साउंड इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। तो ये अगर गाड़ी उस तरफ जा रही है तो ये इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। अब यहाँ पे हमें किसी तरीके से इस एफ डैश को इंक्रीज करना है, एफ डैश को इंक्रीज करना है। और सेकेंड मैंने लिखा है कि स्टेशनरी सोर्स, तो स्टेशनरी सोर्स मतलब बी की वैल्यू है ही नहीं, मतलब बी जीरो है, बी की कोई स्पीड है नहीं, तो बी का स्पीड जीरो होने की वजह से यहाँ पे आप इसको रफ कर सकते हैं। हम इसको ऐसे मिटा लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ बचेगी सिर्फ v बच जाएगा। सही, ये एक चीज आप लोगों ने ज़हन में रखा। VB VA b आपके पास जीरो होता है तो b को मैंने हटा दिया। अब अगर a हमारे पास जीरो होगा तो उसी हिसाब से फिर हम a को हटा देंगे। अगर किसी केस में सोर्स रेस्ट पे था और स्टेशनरी उसकी तरफ आ रहा था तो हम वहां पे a को हटा देंगे, ये हम आगे देखेंगे। अब ये सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर बात है ये उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा। अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी जितना ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ये यहाँ पे अपवर्ड है और ये नीचे, तो ये जितनी ज्यादा कम होती जाएगी ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन है। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाएगी एफ डैश उतना ही ज्यादा अपने आप को इंक्रीज करता जाएगा। अब ए चाह रहा है कि मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं क्योंकि ए तो उसकी तरफ जा रहा है और आपको लग भी रहा है कि ए फ्रीक्वेंसी उस सोर्स के लिए ऑब्जर्वर स्टेशनरी जो लिसनर है या ऑब्जर्वर है उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब ए ये चाह रहा है कि उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इस वैल्यू को कम होना पड़ेगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। कम होने के लिए आपको जाहिर बात माइनस लगा लो, मतलब जब ये माइनस हो जाएगी तो थोड़ी बहुत ये कम हो जाएगी, जब ये कम हो जाएगी तो ये खुद बहुत बढ़ जाएगी। तो ये उसका फार्मूला बन गया, बस ये फार्मूला है। हमने क्या किया, बी की कोई स्पीड है नहीं तो बी को हमने जीरो कर दिया, बी को हमने हटा दिया बी। अब ए ये चाह रहा है कि उसकी तरफ वो जा रहा है तो जाहिर बात ये स्पीड बढ़ाना चाह रहा है। बढ़ाने के लिए इसको ये चूंकि डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, अगर बढ़ाने के लिए ये डिनोमिनेटर में है तो इसको अपने आप को कम करना पड़ेगा। जब ये खुद कम होगा तो ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका जो इफेक्ट पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो बढ़ जाएगी। तो ये अपने फार्मूला बना लिया। अब इसी हिसाब से मैं इसका वेवलेंथ का फार्मूला भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़े से आगे इसके केसेस देख लेते हैं। अब दूसरा इसका केस देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। दो तीन केसेस आपने देख लिए तो सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जाहिर बात है आपने लास्ट के जो कुछ 4-5 केसेस होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन होगा थ्योरी हम सारी की सारी ही लगाएंगे। अब अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो, अगर गाड़ी जो है ना वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो तो जाहिर है साउंड कम होगा, फ्रीक्वेंसी उसके लिए कम आ जाएगी, मतलब ये सारा का सारा फिनोमेना हो। लेकिन अभी भी हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी ही रखा हुआ है, ऑब्जर्वर की फिलहाल अभी भी कोई स्पीड नहीं है। मैं यहाँ पर रुका हूँ और गाड़ी मुझसे हॉर्न बजाते हुए या सायरन बजाते हुए वो मुझसे दूर जा रही है, तो मेरे लिए वो जो साउंड का इफेक्ट होगा ओवरऑल जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे लिए कम होती जाएगी। सिंपल फिर से वही फार्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू वी बी वी ए और यहाँ पे एफ। ये मेरे पास फार्मूला आपने इन थोड़ा सा पास ले वी बी वी ए, बी फिर से जीरो तो बी को फिर से हटा दो, फार्मूला एक ही फार्मूला रखना है। तो मतलब सिर्फ ओवरऑल सिर्फ वी बचा, आपने वी लिखा। अब ए ये चाह रहा है कि वो उसको कम कर दे, मतलब ए ये चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को कम कर दे क्योंकि कम हो भी रहा है, ए उससे दूर जा रहा है। अगर ए दूर जा रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, मैंने कहा था कि अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको इंक्रीज करना है तो ये खुद को डिक्रीज कर देगा जैसे पहले वाले केस में। लेकिन अगर ये चाह रहा है कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो ये खुद को बढ़ाना चाह रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे आप प्लस लगाओगे क्योंकि प्लस से वो बढ़ जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। ये डिनोमिनेटर में अगर अपने आपको बढ़ा देगा मतलब ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में ये ओवरऑल अपने आपको माइनस कर देगा तो ओवरऑल जो उसका इफेक्ट होगा इनवर्स रिलेशन में वो अपने आपको बढ़ा देगा। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो तो यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ रहा हो तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा। तो ये उसका फार्मूला आ जाएगा। अब थर्ड केसेस का देखते हैं। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा हो, मतलब अब ऑब्जर्वर आ रहा है तो ऑब्जर्वर की यहाँ पे कुछ ना कुछ विलासी तो होगी, तो हम उसकी बी को जीरो नहीं लिखेंगे, तो इसकी बी कुछ ना कुछ है और ये जा किस तरफ रहा है, ये सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स की अपनी जो विलासी है वो कितनी आ रही है, वो जीरो आ रही है। ऑब्जर्वर गाड़ी की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर अगर गाड़ी की तरफ आ रहा है तो गाड़ी अपनी जगह पे रेस्ट पे, क्योंकि हमने लिखा है ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर आ रहा है गाड़ी की तरफ, वो जो सोर्स है गाड़ी की तरफ आ रहा है और गाड़ी अपनी जगह पे रुकी हुई है। यानी ऐसे समझ कि जैसे कोई सायरन बजाती हुई कोई गाड़ी वो अपनी जगह पे रुकी हुई और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो सोर्स रुका हुआ है, स्टेशनरी सोर्स है, सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है। तो इसकी इसको देखते हैं। फिर से एक चीज का ख्याल रखना है कि बी यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि बी अब मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, लेकिन ए जो है ना वो जीरो होगा। जो इसकी यू नॉट वी नॉट जो भी आप लोगों की बुक में सिंबल होगा हमने इसको ए लिखा हुआ है, ए आपके पास जीरो होगा, मतलब इसकी अपनी कोई स्पीड नहीं होगी, इसका कोई अपना मोशन नहीं होगा। तो फिर से फार्मूला एफ डैश इक्वल टू वी बी वी ए और यहाँ पे एफ, ये आप लोगों ने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले के अंदर एक तो ये चीज का ख्याल रखना है कि ए यहाँ पे जीरो है तो ए को यहाँ से हटा दो क्योंकि प्लस जीरो मतलब वही जीरो ही बन जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल वी बन जाएगा। ए चूंकि जीरो है तो ए को आप हटा दें। फर्स्ट केस, बी को आप जीरो नहीं कर सकते हो जैसे पिछले केस में हमने किया था क्योंकि बी की कुछ ना कुछ स्पीड है, वो किसी ना किसी स्पीड के साथ इस तरफ आ रहा है। अब बी ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए क्योंकि बी उसकी तरफ आ रहा है, तो बी जाहिर बात है अगर मैं गाड़ी सायरन की तरफ जा रहा हूँ, सायरन बजाती हुई गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ तो जाहिर बात है वो स्पीड तो बढ़ती जाएगी। अब भी ये चाह रहा है कि उसकी स्पीड या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। स्पीड या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे ऐड होगा या माइनस होगा, यहाँ पे आप प्लस का निशान लगाओगे या माइनस का निशान लगाओगे। देखिए ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन में नहीं, ये डायरेक्ट रिलेशन में, ये भी ऊपर ये भी ऊपर। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे प्लस लगा लेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये उसका थर्ड केस का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तीसरा केस में हमारे पास है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हूँ, मतलब वहां पे सायरन बजाती हुई गाड़ी है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ बल्कि उससे दूर जा रहा हूँ, और वो सायरन बजाती हुई जो गाड़ी है वो रुकी हुई है, मतलब वो सोर्स जो है ना वो अपनी जगह पे रुका हुआ स्टेशनरी सोर्स है और मैं उससे दूर जा रहा हूँ। तो एक चीज का तो ख्याल रखना है कि बी यहाँ पे जीरो नहीं होगा लेकिन ए जीरो है, क्यों? क्योंकि सोर्स रुका हुआ है, स्टेशनरी सोर्स है, सोर्स रुका हुआ है लेकिन मैं उससे दूर जा रहा हूँ। फिर से वही फार्मूला एफ डैश इज इक्वल टू वी बी वी ए और यहाँ पे एफ आ जाएगा। फिर से ये फार्मूला, अब ए आपके पास जीरो है तो ए को फिर से हटा दें, ए की कोई यहाँ पे कोई काम नहीं है। बी अपने आप को कम करना चाह रहा है, मैंने कहा कि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। कम करने के लिए इसको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। जब ये यहाँ पे अपने आप को कम कर देगा तो ओवरऑल इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपने आप को कम कर देगी। तो ये उसका तीसरा केस होगा। अब चौथे केस में देखते हैं। चौथे केस में व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ मूव्स टुवर्ड ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी सोर्स भी मेरी तरफ आ रहा है ए स्पीड के साथ और जो ऑब्जर्वर है वो भी इस गाड़ी की तरफ आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और इसकी जो स्पीड है वो भी है। सिर्फ साउंड की स्पीड भी है, बकाया जो सोर्स की स्पीड है वो ए, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो भी है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। हमने केस क्या पढ़ना है? हमने केस ये पढ़ना है कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो तब फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो हम फिर से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा वी बी वी ए एफ और ये चेंज है फ्रीक्वेंसी। अब पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं, ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। अब बी क्या चाहना जा रहा है, क्योंकि बी तो उसकी तरफ जा रहा है, बी तो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो बी तो ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। बी के हिसाब से पहले देख लेते हैं, ऑब्जर्वर के हिसाब से देख लेते हैं। अब बी क्या चाह रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो बी तो ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए चूंकि ये ऊपर है, बी ऊपर है, तो बी को यहाँ पे एड होना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल इसके इफेक्ट बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो बी तो अपने आप को एड कर देगा, कोई इशू नहीं, जैसे हमने तीसरा केस पढ़ा था। लेकिन ए क्या चाह रहा है, ए भी उसकी तरफ जा रहा है, ए भी उसकी तरफ ही जा रहा है। अगर ए उसकी तरफ जा रहा है तो मतलब ए भी क्या चाह रहा है, ए भी ये चाह रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इसको खुद को कम करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर कम होगी, कोई वैल्यू है, मतलब जैसे 2/5 या आप 2/9 कर दें तो ये वैल्यू अपने आप को कम कर देगी, मतलब ये वैल्यू ओवरऑल अपने आप को कम कर देगी। अगर ये वैल्यू अपने आप को कम करना चाहती है तो इसको यहाँ पे जाकर के माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ये वैल्यू अपने आप को कम करेगी उतनी ज्यादा उसका ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको अपने आप को माइनस करना पड़ेगा, ये अपने आप को माइनस करेगी तो ये फ्रीक्वेंसी उसकी ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो ये उसका केस नंबर थर्ड बन जाएगा। अब केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 में हमने ये लिखा हुआ है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश शुरू है। When source and observer both moves away from each other, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए सोर्स भी इस तरफ जा रही है और जो ऑब्जर्वर है वो भी इस तरफ, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फिर से फार्मूला हम बना लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है एफ डैश इक्वल टू वी बी वी ए और ये आपके पास बन जाएगा एफ। ये हमारे पास फार्मूला है, आपने 2-3 दफा इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे। एफ डैश इक्वल टू वी बी वी ए एफ, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। अब मुझसे पहले हम ऑब्जर्वर के हिसाब से देखते हैं। ऑब्जर्वर ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए क्योंकि वो सायरन से दूर जा रहा है, सायरन बजाती हुई गाड़ी से वो दूर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर तो ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए वो अपने आप को माइनस कर देगा, क्योंकि ये कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ये तो हमने की बात ऑब्जर्वर की। अब ए ये चाह रहा है कि वो ए भी ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, क्योंकि वो भी तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब वो ये चाह रहा है कि इसके लिहाज से वो, मतलब जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी लग रही है वो कम लगे, क्योंकि एफ डैश हम फाइंड कर ले, मतलब जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी या जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी जो उसको महसूस होगी वो कितनी होगी। तो ए भी अगर उसे दूर जा रहे हैं तो जाहिर बात इसको फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब ये उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी कम होने की मतलब ये है कि यहाँ पे ये चूंकि डिनोमिनेटर में इसको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ेगा तो यहाँ पे ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा। डिक्रीज, ये इनवर्स रिलेशन में ये बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल अपने आप को कम कर देगी। तो ये उसका पांचवे केस का फार्मूला बन जाएगा। तो छठा केस इसका पढ़ लेते हैं या शायद सातवां होगा। इस केस में हम ये पढ़ते हैं व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सोर्स, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है लेकिन सोर्स उसी से मतलब उसी से जा रहा है, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फिर इस केस में क्या होगा, मतलब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है यानी मैं सायरन बजाती हुई गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और सायरन बजाती हुई गाड़ी मुझसे दूर जा रही है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ या मैं पैदल जा रहा हूँ और वो मुझसे दूर जाती जा रही है, तो फिर फ्रीक्वेंसी का किस हिसाब से वो इंक्रीज करेगी या किस हिसाब से डिक्रीज करेगी, तो फिर से उसका फार्मूला बना लेते हैं, फिर से वही एफ वी बी वी ए और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ, ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। पहले इसके हिसाब से देखते हैं, इसमें से ना बी जीरो है ना ए जीरो है, दो तीन केसेस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से बी और ए किसी में कोई भी जीरो नहीं आ रहा है। एक चीज का ख्याल रखना है कि पहले आपने ऑब्जर्वर या पहले आप कोई एक टारगेट कर लें, मतलब दूसरे के बारे में पहले ना सोचे, तो पहले मैं ऑब्जर्वर को टारगेट कर लेता हूँ। अब ऑब्जर्वर ये चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े क्योंकि वो तो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए क्योंकि वो सोर्स की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे ऐड का सिंबल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो मतलब उसकी ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन ए क्या चाह रहा है, ए ये चाह रहा है कि नहीं मैं फ्रीक्वेंसी कम करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को या जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है वो कम हो जाए, मतलब जो सोर्स है वो मुझसे दूर जा रहा है तो वो सायरन बजाती हुई गाड़ी मुझसे दूर जा रही है, तो जाहिर बात है मेरे ऊपर जो उसकी फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट आएगा वो तो कम आएगा, यानी सोर्स के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। अगर ये दूर जा रही है तो मतलब इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की या इसके लिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो कम होगी। अब कम करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में तो इसको अपने आप को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने आप को कम कर देगी। तो ये उसका केस नंबर 6 होगा। केस व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स एंड द सोर्स मूव्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर, यानी केस ये कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे, अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है मतलब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और वो जो सोर्स होगी वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये केस इस तरह का होगा कि ऑब्जर्वर जा रहा है और जो सोर्स होगी जो सायरन बजाती हुई गाड़ी होगी वो उसी के पीछे जा रहा है। तो फिर ये फार्मूला कैसे होगा, हम फिर से इन दो सिंबल में कुछ चेंजेस करेंगे, बकाया फार्मूला सारा वही। पहले इसके हिसाब से देखते हैं, ये तो चाह रहा है कि मैं फ्रिक्वेंसी को कम कर दूं क्योंकि ये तो उसी से जा रहा है, मतलब ये फ्रिक्वेंसी नहीं चाह रहा है कि फ्रिक्वेंसी को किसी भी तरीके से बढ़ा दे। अगर ये फ्रिक्वेंसी को कम करना चाह रहा है तो फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे उसको माइनस के सिंबल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के सिंबल होगा तो यहाँ पे ये कम होगा, ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट भी अपने आप को कम कर देगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में ये कम होगा तो वो भी फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहा है, तो ये चाह रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं तो यहाँ पे माइनस के सिंबल। अब ये चाह रहा है कि नहीं मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा हूँ, वो तो सोर्स के लिहाज से या ऑब्जर्वर के लिहाज से वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाह रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि ऑब्जर्वर को मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको डिलीवर कर सकूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पे जितनी ज्यादा अपने आपको कम करेगी उतनी ज्यादा ओवरऑल उसकी फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट होगा वो उतनी ही ज्यादा अपने आपको ओवरऑल बढ़ा देगा। अब इसमें न्यूमेरिकल केस बनेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको दूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल के ऊपर आपने सबसे पहले ये सोचना है कि वो ऑब्जर्वर और सोर्स, ये इस कंसेप्ट को आपने पहले समझना है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स उसकी तरफ आ रहा है या स्टेशनरी या जो भी केस होगी, आपने इन्हीं केसेस को बार बार रिपीट करना है, बार बार इनको देखना है। वी बी और ए का अगर आपको सिंबल की समझ ना आ रही हो तो आप अपने बुक के हिसाब से इनके सिंबल डाल दें, इसके कोई सिंबल डाल दें, इसका कोई सिंबल डाल दें और इसी हिसाब से आप उसका फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना शुरू कर दें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। मैं एक दो तीन न्यूमेरिकल या कुछ एमसीक्यूज आपको आगे दे देता हूँ, आप वो सॉल्व कर लें और कोई भी मसला यहाँ तक होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।